देख रहे हैं बीएस नेशन। बीएस नेशन में आपका एक बार फिर स्वागत है दोस्तों। आज वसई पश्चिम में वार क्रमांक 93 कार्यालय में लगभग 15 से ज्यादा शिव सैनिकों ने भाजपा में प्रवेश किया। इस अवसर पर महामंत्री उत्तम कुमार व वसई मंडल अध्यक्ष रामानुजम ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है और ये कैसा परिवार है इसकी तुलना आप दुनिया के सबसे बड़े परिवार में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ साल पहले तक चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी थी। उसको पछाड़ करके जब अमित भाई शाह देश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, उसी समय हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके घर घर जा करके आप जैसे भाइयों के बीच जा करके उसकी सदस्यता ऑनलाइन करके दुनिया की जो है वो नंबर वन पार्टी बनाया। पार्टी को हम परिवार मानते हैं, हम सब भाई बहन इसमें जो है वो दिल से काम करते हैं। हमारा प्रधानमंत्री 3 घंटा सिर्फ देश के लिए सोते हैं और बाकी समय जो है वो देश के लिए अपने आप को न्यौछावर किए हुए हैं। पूरा परिवार जस का तस जैसा है, जो मेहनत करता है वही खाता है। न खाऊंगा न खाने दूंगा के सिद्धांत पे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और सबके प्रयास में आज आप सब भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता प्रवेश किए हैं, सबसे नम्र निवेदन है कि आने वाला 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत ही सीरियस रूप में लिए हुए हैं। एक एक व्यक्ति बूथ पे जो है वो काम कर रहा है। एक हमारा सरल ऐप है जो सिर्फ आपके मोबाइल से ही वो भरा जाएगा। हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी उसको जानते हैं। हमारे बीजेपी के कोई भी पदाधिकारी मिले तो उनसे सरल ऐप की चर्चा करके आपके एंड्रॉयड मोबाइल में आपकी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय या कहें हमारे राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में रजिस्टर्ड होता है और उसी को जो है वो हम अपना मानते हैं परिवार। और जो रजिस्टर्ड सरल ऐप में हुआ वो हमारा पदाधिकारी है, वही हमारा जो है वो अपनी पूंजी है और उसी की गिनती हम आगे करने वाले हैं। और सब दिन डायरेक्ट प्रधानमंत्री के उस कार्यालय से, बीजेपी के मुख्यालय से आपको जो है वो आपको मैसेज मिलेगा। प्रधानमंत्री कभी भी आपको उनके यहाँ से फ़ोन आ सकता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आपको फ़ोन कर सकते हैं, प्रदेश कार्यालय से फ़ोन आ सकता है, देवेंद्र फडणवीस जी फ़ोन करते हैं। एक से एक व्यक्ति आपके जन्मदिन पर, आपके किसी फंक्शन पे आपको बधाई देने के लिए अपने परिवार में, जैसे हम अपने बच्चों को जन्मदिन की बधाई देते हैं, वैसे मुझे भी, मेरा 28 फरवरी जन्मदिन था, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावन फुले जी ने मुझे फ़ोन करके जो है वो बधाई दिया। मैं गौरवान्वित किया कितना बड़ा महाराष्ट्र का और जैसा छोटा एक कार्यकर्ता एक अध्यक्ष को जो है वो प्रदेश अध्यक्ष जो है वो बजाबता जो अपने पीए से फ़ोन कराया कि आपको फ़ोन आएगा, आप अलर्ट रहिए, और मैं अलर्ट में था ही तो उनका फ़ोन आया, उन्होंने दिल से बधाई दिया। तो मैं सबसे बोलूँगा ये अपना परिवार है और यहाँ जो है वो भारत माता के लिए हम काम करते हैं। ये मेरी जन्मभूमि है, ये मेरी मातृभूमि है, हम मातृभूमि के लिए काम करते हैं। तो माँ के लिए काम करने में किसी का कोई स्वार्थ नहीं आना चाहिए कि उसे कुछ मिला और मुझे नहीं मिला, ये कभी माँ के काम में नहीं आना चाहिए। मैं यही संबोधन करके अपना स्थान ग्रहण करता हूँ और आप सबको भारतीय जनता पार्टी में बधाई देता हूँ। बहुत कम समय में आप सब जो है वो उत्तम जी का कार्यालय है यहीं विशाल नगर में, जो मेरा मध्यवर्ती कार्यालय है, आप वहाँ एक एक करके पधारिए। मैं जो है वो जो जिस काम के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे उनको मैं जो है वो पद भी दूंगा और सबको भारतीय जनता पार्टी परिवार में जो है वो सम्मान जो है वो आपको जो है वो नियुक्ति पत्र दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैडम जो ये कार्यालय चलाते हैं और 93 वार्ड का अध्यक्ष हूँ तो मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। जब से इधर ये कार्यालय खोला वो विष्टाई सर मैडम और उनका बेटा सिद्धार्थ मिल के उस सारा मतलब लोगों को जोड़ने का, उनका साथ तो सैकड़ों महिला कार्यकर्ता भी उनका साथ है और आज उन्होंने करके दिखाया कि युवा भी उनका साथ है, तो उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और आपको मैं, आपने शिवसेना में पहले काम किया, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी में जमीन आसमान का फर्क है। जब बाला साहब ठाकरे हिंदू साम्राज्य जो बाला साहब ठाकरे था तभी वो कट्टर हिंदुत्ववाद पे चलता था, अभी तो शिवसेना कैसे चलते हैं। जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी को बाला साहब ठाकरे जिंदा था तभी जितना विरोध किया, अभी उनका साथ उसने युद्ध किया और अभी आजकल तो क्या क्या बोलते हैं। आज भी उन्होंने देवेंद्र जी के ऊपर तो एक गलत शब्द का प्रयोग किया, मतलब
अभी वो आदमी मुख्यमंत्री था, पुलिस उनका था, 40 MLA उनका निकल गया, उनको नहीं मालूम पड़ा तो कितना कैपेबल है वो आप सोच सकते हैं, समझ गया ना। तो ये जो शिव भारतीय जनता पार्टी में एक जो पार्टी में खासियत क्या है कि जो भी कार्यकर्ता जो भी समाज का बने, तो भले नीचे समाज का हो, ब्राह्मण हो, कर्नाटक केरला का हो, कर्नाटक हो, यूपी को हो, बिहार को हो, मराठी हो, जो भी होने दो, वो काम करेगा तो आगे निकल जाएगा। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है मैं है दक्षिण से बिलोंग करता हूँ, केरला का है। मैं इधर मतलब मुझे लगता है 25 साल पहले छोटा सा पद पे मेरे को बीजेपी में ज्वाइन किया था मैंने, जो ऐसा आप लोग प्रवेश किया तभी तो इधर कार्यालय नहीं था। पार्वती थिएटर का पीछे दूरी वाड़ी करके एक चार्ल्स बिल्डिंग था, उसमें प्रभुल सेट अभी भी जिंदा है, प्रभुल सेट अध्यक्ष था शहर का। तो उधर जाके मुझे कुछ लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लोगों ने बोला इनको बीजेपी में ले लो या एक्टिव करके, तो कुछ तो छोटा पद दिया और उसी से अपन शुरुआत किया था। अभी से उस टाइम से जो शुरुआत किया अभी तक मुड़ के देखना नहीं पड़ा, क्योंकि पार्टी ने अपन को काम करेगा तो अपने आप अपन को जवाबदारी मिल जाएगा, पोस्ट मिलने से कोई बड़ा नहीं होता, ये भी सच है। मैं ये नहीं बोलता हूँ काम धंधा छोड़ के बीजेपी का पीछे पड़ करके तो कोई पार्टी तो देने वाला नहीं है। तो लेकिन 2-3 घंटा हर दिन, और आप जिधर रहते उधर कौन सा कार्यालय बाजू में, अगर इधर तक आप रोज़ नहीं आ सकते तो इनसे व्हाट्सएप पर टच में रहो, तो उधर जाके मिलो, उन लोगों का वोटर्स लिस्ट में नाम डालो। पहले आपको मालूम है 5-6 साल पहले तो इधर वोटर्स लिस्ट में किसका नाम नहीं आता था, क्योंकि अपन फॉर्म भर के देता था, ये भोजन वाले जो है नालायक लोग उनका लोग ही उधर बैठा रहता था, सुधार में वो पढ़ के कचरा में डालता था। बाद में अभी ऑनलाइन सिस्टम आया तो पहले लोगों को लगता था मैं भाड़ा पर रहता था, मेरा कैसे मेरा पास रेजिडेंट प्रूफ नहीं, कुछ नहीं चाहिए, सबका पास गैस का पौध रहता था, जो झोपड़ा में भी रहना था वो भाड़ा में भी रहना था, उनका पास गैस तो रहता है सबका, कौन होता है नहीं। तो मोदी जी ने तो 20 करोड़ लोगों को कुछ उज्ज्वला गैस योजना में दिया है, तो गैस का पावती रेजिडेंट प्रूफ, आधार कार्ड ID प्रूफ, आधार कार्ड, गैस का पावती और एक फ़ोटो, आपका वोटर स्लिप में नाम डाल सकते हैं, आपका मोबाइल में उसका अपडेट रहेगा, आपका सुधार किया, आपका फलाना नंबर है, फिर आपको 1 महीने के अंदर डीलक्स जीरो उसमें जाए तो आपको कार्ड भी बना सकते हैं, रात नहीं देखने का कार्ड कभी आएगा नहीं आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोटर्स लिस्ट में नाम डालो, कई लोगों का अपना कार्यकर अपना मेंटालिटी का रहता है, बिहार यूपी का सब लोग, लेकिन उसका नाम नहीं रहता है। तो ये सब काम अपने से जो होते हैं उतना छोटा मोटा काम करता है रहने का पार्टी के लिए। अभी ये उम्र में भी अशोका का झंडा लगाने को कंबे पर चढ़ते हैं, युवा मोर्चा वाले नीचे खड़ा रहते हैं, वो काका चलते हैं, तो ये जोश होना चाहिए अपने में, सब लोग मिल के जो छोटा मोटा मतभेद वगैरह रहेगा जो भी है वो, लेकिन पार्टी का प्रति अपना मन में कोई मतभेद नहीं, सब एकजुट है। तो क्योंकि अपन भारतीय जनता पार्टी को आने वाला महापालिका चुनाव में अपना भी नगर से वसई स्टेशन से मैं बोलता हूँ, इधर चौदावाड़ है, चौदावाड़ से अच्छा संख्या में अपन इंडिया ला सकते हैं। इंडिया सब ढीला हो गया है, 3.5 साल से कोई नगर सेवक नहीं है, इंडिया पब्लिक से जो डे टू डे कनेक्शन टूट गया है 3.5 साल से, अभी उनका टेंशन में है, भोजन विकास अकाडमी टेंशन में है। तो अपन को ये मौका है अच्छा, अपन लोगों का संपर्क में जाओ, उनका छोटा मोटा काम रहेगा तो अपन पहले सुन के ले लो हमारे से होगा क्या नहीं होगा, फिर आके वरिष्ठों को मिलो, ये देखो काम है उनका, अपन कर सकते क्या, महापालिका हो, तहसीलदार से हो, जो भी है अपन करके देने का। लोग भी आजकल होशियार है, लोग भी ये भाषणबाजी में नहीं पड़ते, लोग बोलते काम आते हैं, कौन काम आते हैं उसको सपोर्ट करते हैं, समझ गया ना। पहले जैसा नहीं है, सोशल मीडिया सब बहुत एक्टिव है, लोगों को काम करने वाला चाहिए। अभी तक भोजन का सिवा इनको कोई देखा नहीं था इधर, भोजन का सब कोई पब्लिक से कमिटमेंट वाला नहीं है, सब ठेकेदार, ये सब टपुलिस टाइप का लोग इधर जो नगर सेवक आपको दिखते हैं, वो एक भी समाज सेवा का बैकग्राउंड वाला नहीं है, समाज सेवा जो करते हैं ऐसा आपको दिखते है कोई, मैं एक एक का नाम लेके मंगते तो बोलता कौन सा समाज सेवा करेगा, फिर कोविड में कोई बाहर आया इनका एक भी नगर से बाहर नहीं निकला, सब घर पे क्वारंटीन कैसे करना है उनको देख के सीखना है। जैसा जो उमा पाटिल मैं बोलता ये वार्ड का नगर से ये इसका कार्यकर्ता मुझे बोलता था, मैं जिधर रहता इधर ही रहता है, तो हमारा सोसाइटी में 2-4 इनका एक्टिव कार्यकर्ता है, बोलते उत्तम जी एक बार भी फ़ोन करके नहीं पूछा आप लोग कैसे हैं, कुछ चावल है क्या, कुछ आटा है क्या, दवा है क्या। तो बीजेपी का कार्यकर्ता ने सब घर घर जाके बाटअप किया, अपन वैक्सीनेशन सेंटर चालू किया, बसे में एक ही अपना भारतीय जनता पार्टी का था, अयप्पा मंदिर पे चालू था, उधर ही भोजन वाला आके बैठता था, मतलब उनका उधर अच्छा लगता था, या नितिन राउत का कम से कम मुझे लगता है 150 लोग आके उधर इंजेक्शन लेके गया, तो आपने उधर पूरा सिस्टम लगाया था, वहाँ से बहुत लाइन अपना विश्वसनीय का भी अपना विवेक पाटिल का मतलब सबके लिए अपन सेवा का काम अपन ने किया बीजेपी का कार्यकर्ता था। तो ये सब लोग भूलेगा नहीं, लेकिन थोड़ा अपन लाइन लाइट में रहना चाहिए, टच में रहना चाहिए, लोगों को मिलना जुलना संपर्क करना चाहिए कि आपको कैसा चलता है, क्या चलता है, बच्चा लोग को जो है क्या, मतलब एक पारिवारिक संपर्क अपन बढ़ाएगा तो बीजेपी
बीजेपी को इधर कोई हरा नहीं सकता है। आने वाला टाइम अपना ही टाइम है, सब लोग को भारतीय जनता पार्टी में स्वागत, जय हिंद जय महाराष्ट्र। आज हमारे ऑफिस में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही लोगों ने, बहुत ज़्यादा लोगों ने प्रवेश किया है और भारतीय जनता पार्टी की जो वैल्यू है, जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में बढ़ते चले जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि लहर जो है वो बीजेपी की ही है और मोदी जी की वजह से आज हम सब लोग यहाँ पर हैं। जब तक मोदी जी है हम लोगों के लिए राष्ट्र सुरक्षित है, हमारा भारत देश सुरक्षित है, उनके हाथों में हम लोग सुरक्षित हैं। आज देखिए हमारे वसई में शिवसेना के यहाँ से बहुत से बच्चों ने प्रवेश किया है। यहाँ के शाखा प्रमुख हमारे कल्पेश पांडे जी आज हमारे बीच आए हैं और इन्होंने अपने बहुत से लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिया है और मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ भारतीय जनता पार्टी परिवार में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी परिवार है। मैं चाहूँगी कि रमेश जी, कल्पेश जी आपसे दो शब्द कहें। नमस्कार, मेरा नाम कल्पेश पांडे है और आज मैं इस ऑफिस में आया हूँ इस उद्देश्य से, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं आजकल बीजेपी का जो काम है और योगी जी हमारे जो मोदी जी जो काम कर रहे हैं काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और इससे हम सब उनके काम को देख के हम सब हमको अच्छा लगा और सब प्रेरित होकर हम लोग वही उद्देश्य से हम भी बीजेपी में आज मैडम के पास आके मतलब बातचीत होकर हम जुड़े हैं और हमारा यही अपेक्षा है कि हम सब मिल के बीजेपी के लिए अच्छे से काम करें और बीजेपी का झंडा आगे फहराएं। हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।